ये मेरा कुछ सेटअप है, यहाँ पर 35 Ah का बैटरी, उसके साथ में ये DIY इन्वर्टर, मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे 5 वोल्ट पे हैं, तो उसके लिए मेरे पास में यहाँ पर USB पोर्ट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मैं ओवरलैंडिंग पर जाता हूँ तो वहां पर मेरे इलेक्ट्रिसिटी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने एक DIY इन्वर्टर बना के रखा हुआ है, तो जिससे कि मैं मेरे मोबाइल फोन, मेरे लैपटॉप्स, पुराने वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मेरे लाइट्स वगैरह जल रहे होते हैं, तो उन लाइट्स को मैं पावर देने के लिए इसको यूज करता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं 35 Ah का एक मेंटेनेंस फ्री, लिथियम बैटरी नहीं है ये, एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, ये अराउंड आपको 2400-2500 रुपए में आ जाता है बैटरी 35 Ah का, तो ये लेकर मैंने एक छोटा सा मेरा इन्वर्टर बनाकर रखा हुआ है, जिससे कि मेरा वन नाइट कैंपिंग जो है वो बड़े आराम से निकल जाता है, और एक बार मैं जब मेरा कैंपिंग खत्म करके आता हूँ तो मैं मेरे घर पे बैटरी को वापस से चार्ज कर लेता हूँ, जो कि मेरे नेक्स्ट कैंपिंग में काम आ जाता है। तो चलिए मैं आपको मेरा इन्वर्टर दिखाता हूँ कि मैं मेरे इन्वर्टर को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, और इसके पहले भी आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा, पुराना एक मैंने छोटा सा इन्वर्टर बनाया हुआ था 7 Ah के साथ में, उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये एक सेटअप बनाया है। तो मैं अभी आपको मेरा पूरा सेटअप दिखाता हूँ कि ये सेटअप है कैसा। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने इन्वर्टर बॉक्स में इसको बोलता हूँ, ये मेरा इन्वर्टर है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं, ये वही मेरा पुराना जो इन्वर्टर है जो मैंने पहले बनाया हुआ था, इसके अंदर एक्चुअली 7 Ah की एक बैटरी मैंने लगाई हुई थी, तो वो 7 Ah की जो बैटरी थी वो मैंने निकाल दिया है, और ये जो बाहर मैंने इन्वर्टर लगाया था उसको मैंने अंदर लगा दिया, और अभी भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस बाकी हैं, जैसे मैंने 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं लगाया हुआ है, और ये कुछ फ्यूज़ हैं तो फ्यूज़ भी मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें बाकी हैं, और ये बॉक्स भी मुझे एक्चुअली चेंज करना है, तो इस बॉक्स की जगह पे मैं टूल बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। जो भी मैं इसमें चेंजेस करूँगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें अपडेट किया है। पहले भी ये मेरे पास में था पावर इन्वर्टर 200 वॉट का, ये अप्रॉक्स 700-800 रुपये के आसपास में आ जाता है। ये इस तरह के कुछ सॉकेट आते हैं जो कि कार वगैरह में, आपको कार वगैरह के इंजन जो होते हैं वहाँ पर इस तरह के सॉकेट का यूज़ करते हैं आपके इंजन या उसके एक्सेसरीज को पावर देने के लिए, तो ये वही सेम सॉकेट है। उसके बाद में ये उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये पूरी तरह से बैटरी को आपके, ये जो भी यहाँ पर मैंने एक्सेसरीज या फिर जो भी मैंने डिवाइसेस यहाँ पर लगाए हुए हैं उन सबको ये कट ऑफ कर देगा यहाँ से। ये लगाने का रीज़न ये है कि अगर आपकी बैटरी को आपको चार्ज करना है और आपके पास में एक सोलर पैनल है तो वो इसके थ्रू मैं चार्ज कर सकूँ। इसमें भी मुझे दो USB पोर्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में 200 वॉट का एक इन्वर्टर है, पावर इन्वर्टर, जिसमें कि मुझे 220 वोल्ट का, आप देखेंगे यहाँ पर 220 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, एक USB पावर सॉकेट मिल जाता है, और इसके लिए एक अलग से स्विच भी है इसके अंदर, जिससे आप इसको पावर ऑन ऑफ कर सके रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, नहीं है तो फिर आप इसको ऑफ़ कर लीजिए। तो इसकी जो बैटरी है वो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बैटरी रखा हुआ है, तो ये एम्ब्रॉन का 35 Ah का मैंने बैटरी लिया हुआ है इसके अंदर। ये फुल चार्ज में ये वन नाइट कैंपिंग मेरा बड़े आराम से निकल जाता है इसमें, जिसमें कि मेरे लाइट्स, मेरा लैपटॉप, मेरे फ़ोन वगैरह वो सारी चीज़ें चार्ज होती रहती हैं। इसके साथ ही साथ मेरा पावर बैंक वगैरह भी मैं इसमें ही लगा के रखता हूँ ताकि वो चार्ज रहे हमेशा। तो अभी मैं आपको कनेक्शन लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी एक्चुअली मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग के समय ही पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने इसे प्लग किया हुआ है, तो इससे मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है और मैं शूट भी कर रहा हूँ इससे। तो 25 वाट का चार्जर मैंने इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये मैंने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से मैं मेरे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन को मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट से भी चार्ज कर सकता हूँ। मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे 5 वोल्ट पे हैं, तो उसके लिए मेरे पास में यहाँ पर USB पोर्ट्स हैं, जिससे कि मेरे बाकी के कैंपिंग के जो लाइट्स हैं वो चलते हैं, और ज़्यादा करके मेरे जो लाइट्स हैं वो रिचार्जेबल हैं, तो उसको कंटिन्यू मुझे लगा कर नहीं रखना पड़ता है, और वो एक बार चार्ज करने पर 6-7 घंटे बड़े आराम से चल जाते हैं, और रिचार्ज होने पर फिर से मैं उसे आधे एक घंटे के लिए लगा देता हूँ चार्ज में, तो फटाफट फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो ये मेरा कुछ सेटअप है, यहाँ पर 35 Ah का बैटरी, उसके साथ में ये DIY इन्वर्टर। तो ये अभी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है,
तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली इस बॉक्स की जगह पर एक टूल बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ, तो टूल बॉक्स में फिर सारा का सारा सेटअप मेरा लगने वाला है। इन्वर्टर तो फिलहाल मेरे पास में यही रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए 200 वॉट का इन्वर्टर मोर देन इनफ है। मतलब मैं हार्डली इसमें लैपटॉप मेरा चार्ज में लगाता हूँ, या फिर मैं हार्डली 220 वोल्ट का कोई सॉकेट इसका यूज़ करता हूँ। तो ये 5 वोल्ट के हिसाब से 35 AH ये पूरा नाइट कैंपिंग बड़े आराम से निकाल देता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे अब इसको कुछ खास अपग्रेड करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये कुछ इतना कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक जो हमारे टूल बॉक्स आते हैं, आपने देखा होगा मैकेनिक वगैरह जो यूज़ करते हैं टूल बॉक्स, तो वो फाइबर वाले जो टूल बॉक्स आते हैं वही सेम टूल बॉक्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए। तो वो टूल बॉक्स लेकर मैं उसके अंदर ये सारा सेटअप डालूंगा, और वहाँ पे कुछ अलग अलग और भी सॉकेट्स मुझे डालने हैं, जैसे 12 वोल्ट का सॉकेट डालना है, उसके बाद में USB के डायरेक्ट सॉकेट्स रहेंगे इसमें। तो हैं वो सब चीज़ें करने के बाद फिर जो मेरा सेटअप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।